हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का सीजन नजदीक है और ऐसे में मुंह में मिठास घोल देने वाली मिठाइयाँ भी खूब घर में आएंगी। तो अगर आप बाजार की जगह घर में मिठाइयाँ बनाने का शौक रखती हैं, तो इस बार इस राजस्थानी घेवर को जरूर ट्राई करें। अक्सर मार्केट में हम इसे घेवर को देखते हैं और खाते हैं और बहुत कॉस्टली मिलता है, 200 से 250 रुपए पर पीस मिलता है मलाई घेवर। और घर पे इसे बहुत आसानी से तो नहीं बनाया जा सकता है, टफ बनाना होता है थोड़ा सा। मेरे हिसाब से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो बहुत आसानी से बन जाता है और बिना सांचे के भी बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ में बिना सांचे के इस घेवर को बनाना बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली कुछ रेसिपीज ऐसी होती है ना कि जैसे कितने भी सालों से बना रहे हो हम, लेकिन बनाने के पहले थोड़ी सी टेंशन होती है कि परफेक्ट बनना चाहिए। जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है या फिर ये घेवर है, जब तक परफेक्ट नहीं बन जाता ना या पूरा बन नहीं जाता तब तक थोड़ा सा एक टेंशन लगा रहता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है घेवर बनाने के लिए रबड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, तो 1 लीटर फ्रेश फुल फैट मिल्क लिया था और आधा लीटर मेरे पास में पहले से उबला हुआ था मलाई के साथ में, तो उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये देखिए रिड्यूस कर लिया। तो समझ लीजिए आधा रिड्यूस करना है इसको रबड़ी बनाने के लिए। और चीनी इसमें बहुत थोड़ी सी मैं डालने वाली हूँ, मतलब समझ लीजिए 3 से 4 चम्मच, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। तो सबसे पहला काम रबड़ी बनाने का, इसको औटा के छोड़ देना है और ठंडा होने के बाद फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद फ्रिज में ठंडा करना है। तो ये देखिए काफी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। इसमें मैं इलायची का फ्लेवर दे रही हूँ, तो 3 से 4 हरी इलायची को मैंने क्रश कर लिया है और बस ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। तो ठंडी होने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख देने वाली हूँ। और तो एक काम हो गया हमारा, रबड़ी बनकर तैयार हो गई। तो सबसे पहले इसे ही बनाइएगा और उसके बाद हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए एक पैन चढ़ाया मैंने और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 कप चीनी। तो जितनी आप चाशनी बनाना चाहते हैं, जैसे मैं 1 कप मैदा का घेवर तैयार करने वाली हूँ, तो मैंने 1 कप ही चीनी ली है और जितनी चीनी उसमें उतना ही पानी डालना है। तो सारे मैं जो टिप्स बताती जा रही हूँ कि कितना किसमें क्या डालना है या कितनी देर पकाना है, उस बात को ध्यान रखिएगा तो घेवर कभी भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 कप चीनी ली मैंने और 1 कप पानी के साथ में 2 से 3 चम्मच पानी मैंने और डाल दिया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इसको ज्यादा उबाल देते हैं ना तो बहुत गाढ़ी चाशनी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको ना शहद की तरह चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, एक तार दो तार की नहीं करनी है। तो उबाल आने के बाद सिर्फ घड़ी देख के 1 से 1.5 मिनट इसको और पकाइएगा, बस परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब चाशनी एक तरफ बनती जा रही है, तो इसमें भी मैं इलायची का ही फ्लेवर दे रही हूँ। आप घेवर में ना किसी भी चीज का फ्लेवर दे सकते हैं, जैसे केसर का दे सकते हैं, गुलाब का दे सकते हैं, जो भी फ्लेवर देना चाहे ना वो फ्लेवर दे सकते हैं। मैं आज सिंपल इलायची का फ्लेवर का घेवर बना रही हूँ और इसलिए मैंने रबड़ी में भी इलायची फ्लेवर दिया है और चाशनी में भी। तो उबाल आने के बाद मैंने इसको 1.5 मिनट पकाया और बस ढक के इसको रख देंगे, उसको भी ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर अब घेवर बनाने के लिए एक सूखा सा बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें मैंने लिया है 1/2 कप घी, शुद्ध घी लेना है। 1/2 कप घी में लगभग 15 से 16 मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब हमारी थोड़ी मेहनत का काम शुरू होता है, इसको एक डायरेक्शन में हमको फेंटते चले जाना है। तो ये घी ना थोड़ा सा सॉलिडिफाई होगा और उसके बाद ये देखिए इसका कलर चेंज, अभी देखिए येलो कलर ही है और हल्का सा मतलब जमा जमा सा हो गया। और इसको फेंटते चले जाएंगे 3 से 4 मिनट तक, देख पा रहे हैं आप कलर इसका सफेद हो चुका है और बढ़िया तरीके से फेंट के ये काफी सॉफ्ट और हल्का सा हो चुका है। तो ये प्रोसेस मैं हाथ से कर रही हूँ, कभी कभी आप चाहे जल्दी में चाहे ना तो मिक्सी से कर सकते हैं, पर मुझे तो लगता है कि हाथ से ही सबसे बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे घेवर बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें से ना एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स मैंने निकाल दिए हैं, तो 3-4 मिनट तो आइस के साथ मैंने इसको फेंटा और 2 से 3 मिनट आइस को निकालने के बाद फेंट दिया। तो बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट ये घी बनकर तैयार हो चुका है। अब ये घी तैयार है, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो लेवल करके मैदा लीजिएगा। और इसमें मैदा के साथ में मैंने लगभग 1 से 1.5 चम्मच बेसन लिया है। तो बेसन हलवाई लोग डालते हैं, जिससे कि ना बहुत अच्छा टेक्सचर और कलर आता है इस घेवर का, टेस्ट आता है, कुरकुरे बनते हैं। तो बेसन और मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालते जाएंगे और फेंटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने मैदा डाल दिया है, उसके बाद इसको भी फेंट लेंगे। तो इकट्ठा मत डालिएगा वरना लम्स बन सकते हैं इस मैदा के। और अगर लम्स बन भी जाए ना, बाय एनी चांस अगर लम्स बन जाते हैं ना, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि उसको भी कैसे आगे जाके दूर किया जा सकता है।
तो यहाँ पर सारा मैदा मैंने डाल दिया है और अब यहाँ पर मैंने लिया है फ्रिज का पानी। तो फ्रिज का भी ना समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा ठंडा मत लीजिएगा, एक आध घंटे फ्रिज में रखा है या आधा घंटे फ्रिज में जो बॉटल रखी होती है ना उसी को लेना है हमको। और बस इसमें अब पानी डालते हुए हमको इसको मिक्स करते चले जाना है, और लगातार मिक्स करेंगे ना तो लम्स बनते ही नहीं है, मतलब वो जरूरत ही नहीं होती है कि लम्स को दूर करने के लिए हमको कोई ट्रिक लगानी पड़े। और ये थोड़ा थोड़ा पानी में मिलाती जा रही हूँ। बस इसका जो बैटर तैयार करना है ना वो सबसे बड़ा ट्रिकी चीज होती है इस पूरे घेवर को बनाने में। अगर बैटर आपका परफेक्ट तैयार हो गया ना तो घेवर तो परफेक्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पहले पानी डाला है, उसके बाद 2 कप पानी लेंगे। तो समझ लीजिए 1 कप मैदा में ना मैंने 6 कप पानी डाला है, तो इसका बैटर ना एकदम अच्छे से पतला बनता है। तो पानी में धीरे धीरे करके डालती चली गई हूँ, और जब एक बार अच्छे से बैटर बन जाएगा ना तो बाद के 2 कप पानी तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आए हैं। और अगर लम्स आ जाते हैं ना तो एक छन्नी लीजिए, एक स्ट्रेनर में इसको पूरा का पूरा छान लीजिए, तो सारे के सारे लम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये तरीका है अगर आपके लम्स आ जाते हैं। और अगर जब भी घेवर बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा प्री प्लान तरीके से चलिए। तो इसको एक बड़े से भगोने में ना आइस जमा के रखिए, ये बैटर जो हम बनाते हैं ना इसको गर्म नहीं होने देना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अच्छे जालीदार घेवर बनाने हैं तो बैटर एकदम चिल्ड होना चाहिए। तो मैंने एक बड़े से भगोने में पहले से आइस जमा के रखी थी, उसमें उस बर्तन को रख देंगे। अब जिसमें घेवर बनाना है ना वो थोड़ा ऊंचा बर्तन लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, और बहुत पतले तले का बर्तन नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटा बर्तन लेना है, और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है क्योंकि फिर फ्लेम क्या होती है ना पूरी फैल जाती है और बर्तन अच्छे तरीके से गर्म नहीं हो पाता है। और लेवल जो होना चाहिए ऑयल का हाफ से कम होना चाहिए, जो हाफ बर्तन की जो हाइट है उसकी हाफ हाइट से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें बैटर डालेंगे ना तो एकदम से ऊपर उछलता है। तो ध्यान दीजिएगा जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि लेवल इसका थोड़ा सा नीचे होना चाहिए हाफ से। और बैटर को देखिए करछुल से मैं एक एक चम्मच समझ लीजिए डाल रही हूँ, और काफी हाइट से कम 10 से 12 सेंटीमीटर की हाइट से डाल रही हूँ। तो ऊपर से डालेंगे ना तो बढ़िया जालीदार घेवर बनकर तैयार होंगे। और बिल्कुल एक एक चम्मच ही है, 1-1 टीस्पून आपको डालना है, बहुत ज्यादा एक साथ डालेंगे ना तो तली में एकदम से बैठ जाएगा। हाँ, और जब हम इसको बैटर को डालना स्टार्ट करें ना तो इसको बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए ऑयल, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर जरा भी ठंडा होगा तो बैटर बिल्कुल तली में जाके बैठ जाएगा। और कम से कम 10-12 बार डाल देना। तो जैसे मैंने स्पून से इसके बीच में होल किया है तो जहाँ वहां पे एक होल सा वैसे भी बन जाता है क्योंकि बैटर वहां पे डल रहा है ना, तो भी उस होल को और थोड़ा सा परफेक्शन लाने के लिए स्पून से इस तरीके से कर लिया करिए। और एक बार बैटर डालने के बाद जब तक ये बबल्स आते हैं वो शांत नहीं हो जाए तब तक दूसरी बार बैटर नहीं डालना है। तो जो जो मैं चीजें बताती जा रही हूँ उस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बैटर डालना है। बैटर डालने के बाद जब तक पूरे बबल्स या झाग जो है वो शांत नहीं हो जाता तब तक दूसरी बार बैटर नहीं डालना है। और फ्लेम को पूरे टाइम हाई रखना है, और जब पहली बार बैटर डालेंगे तब भी बिल्कुल हाई फ्लेम पे, और बहुत अच्छा तेल गर्म होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये चीजों को फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छे घेवर बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बीच बीच में स्पून से मैं इसको करती चली जा रही हूँ, और ओवरऑल मैंने समझ लीजिए ना 25 से 30 बार बैटर को डाला है एक एक स्पून करके। आप देख पा रहे हैं भले ही मैंने बड़ी करछुल में लिया था बैटर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ। और एंड में जब आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्राउन दिखने लगे साइड से, तब इसको साइड से चाकू से छुड़ा के बिल्कुल तेल में डिप कर देंगे। अच्छा, मैं तेल में बना रही हूँ, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। और डिप करके बस कुछ सेकंड्स के लिए मैंने तला तो दोनों तरफ से सिक गया है, और ये हमारा शानदार घेवर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत आसान तो है एक्चुअली, बस अगर थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखा जाए। तो ये हमारा घेवर बन चुका है। तो 25 से 30 बार मैंने बैटर को डाला। अब ऑयल को फिर से दोबारा से अच्छे से गर्म रखेंगे, और आप देख पा रहे हैं देखिए ऊपर से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, झाग जैसे ही शांत होगा तब दूसरी बार डालेंगे, एकदम से लगातार नहीं डालते चले जाना है। और कम से कम 15 बार डालने के बाद ही उसमें बीच में होल को सेट करना है। और ये देख पा रहे हैं आप कि मैं ऊपर से कितना डाल रही हूँ, मैं सामने के व्यू से भी आपको दिखा रही हूँ कि काफी हाइट से हमको डालना है। समझ लीजिए 15 सेंटीमीटर भी होगा ना तो भी ठीक रहेगा, नीचे से नहीं डालना है वरना वो ना जाली नहीं बनेगी। अच्छी हाइट से डालिए और एक ही जगह पे डालिए, जो होल बनता जा रहा है ना उसी होल में डालते चले जाइए, तो वो अपने आप फैल जाता है। और फ्लेम को हाई रखा है मैंने, जो ऑयल का लेवल है उसको हाफ से नीचे रखना है, और कम से कम 25 से 30 बार इस बैटर को एक एक स्पून करके डालना है। तो मैं बड़ा करछुल ली हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा, क्योंकि एक एक स्पून
बहुत छोटी पड़ जाती है, मतलब बार बार निकाल निकाल के डालने के लिए, तो बैटर को कस्टर्ड से बड़े से लैडर से ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा गिराते चले जाइए। अच्छा, आप बॉटल में भी भर सकते हैं, जो जलेबी वाली बॉटल आती है ना, जलेबी मेकर वाली, उस बॉटल में भी भर के आप इसको बना सकते हैं। वो रेसिपी मेरे चैनल में पहले भी मैंने डाली हुई है, उसको जाके देखिएगा कि बॉटल से भी बहुत आसानी से घेवर बनाए जा सकते हैं। और बस जब ऊपर से भी हल्का सा ब्राउन देखने लगे तो चारों तरफ से नाइफ से छुड़ाने के बाद थोड़ा सा डिप कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, और ये हमारा दूसरा घेवर भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये जो मैंने बनाया है ना, बैटर बनाया है ना, 1 कप मैदा का, उससे कम से कम 8 घेवर बन जाते हैं इस नॉर्मल थिकनेस के। और अगर काफी अच्छे मोटे घेवर बनाएंगे ना तो फिर 6 घेवर बन सकते हैं, 6 या 7 घेवर बन जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैंने ये 3 घेवर बनाए हैं, बाकी बैटर मैंने रखा है, मैं आगे फिर बना लूंगी। और ये बहुत शानदार तीनों घेवर बन चुके हैं। घेवर मैंने आज भगोने में बनाए हैं, कढ़ाई में भी बनाए जा सकते हैं, किसी सांचे की जरूरत नहीं है। मार्केट में सांचे बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं, पर जो घर में अवेलेबल है उसी से बनाइए। घर में आराम से भगोना कढ़ाई मिल जाती है, उसमें बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ये मैंने 3 घेवर बनाए हैं। रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, तो मैं आपको मलाई घेवर बनाना भी बताने वाली हूँ, और नॉर्मल चाशनी का घेवर भी बनाएंगे। तो दोनों तरीके के मार्केट में मिलते हैं, पर मलाई घेवर की तो बात ही अलग है, बहुत टेस्टी लगता है गाइज। मार्केट मतलब एक बार आप घर में बनाएंगे ना तो आप खुद ही अंतर कर पाएंगे कि मार्केट के घेवर और घर के घेवर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बहुत टेस्टी बनता है घर में। और ये हमारी देखिए रबड़ी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं डाले हैं क्योंकि मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग करने वाली हूँ। और अच्छे से भर भर के लगाइए। देखिए घर में आप घर के राजा होते हैं, घर में बच्चों को घर वालों को जिस तरीके से खिलाना चाहते हैं, जितना तरमाला आप इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने तो भर भर के इसमें रबड़ी डाली है, और 2 में मैंने रबड़ी डाली है, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स मैंने पिस्ता और बादाम कट करके रखे हैं, और तीसरे वाले घेवर में मैंने सिर्फ चाशनी के साथ में ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो राजस्थान में ना सावन, तीज, रक्षाबंधन में ये बनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत टेस्टी लगता है इस सीजन में। वैसे भी त्योहारों का सीजन है, यहाँ अगस्त से चालू हो जाते हैं, तो इसमें तीज, रक्षाबंधन और सावन पे इसे बनाया जाता है, खाया जाता है। तो इसे जरूर बना के देखिएगा, सावन आने ही वाला है। और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितने शानदार घेवर बन के तैयार हुए हैं। बहुत खुशी होती है मालूम घर पे जब इस तरीके की चीजें हम बनाकर तैयार करते हैं ना। तो ये घेवर बनकर तैयार हो चुका है और बहुत टेस्टी बना है, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए।